अज असी तुहानू लेके चल रहे हैं ओम बीकानेर मिष्ठान भंडार जो कि नेड़े शीरगंज रोड मुदकी जिला फिरोजपुर विखे स्थित है। ओम बीकानेर मिष्ठान भंडार अपने इलाके विच ही बल्कि दूर दूर तक एक ब्रांड बन चुका है। इत्थों दी मिठाइयां बहुत ही वधिया क्वालिटी दियां ते बहुत ही वाजिब दामां ते मौजूद है। इत्थे व्याह शादियां पार्टियां लई ऑर्डर भी बुक किए जाते हैं। दूरों दूरों लोग इत्थे पहुँचते हैं ते इत्थों दी स्वादिष्ट मिठाइयां दा आनंद माणते हैं। साई टीम ने इत्थे ग्राहकां नाल गलबात की जिन्होंने ओम बीकानेर मिष्ठान भंडार की बेहद तारीफ की। आओ चलते हैं ओम बीकानेर मिष्ठान भंडार मुदकी। दर्शक पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ओम बीकानेर स्वीट्स। बीकानेर स्वीट्स जिन्होंने पंजाब में अपना एक मुकाम हासिल किया है और हम देख सकते हैं कि मुदकी जो कि जब हम फरीदकोट से जाते हैं अमृतसर तो रास्ते में ये एक गांव पड़ता है जो कि ऐतिहासिक गाँव है जिसमें गुरुद्वारा शहीदगंज जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर सेवाएँ जो है शहीदों की हुई हुई हैं और इस जगह पर इन्होंने आकर खोला है बीकानेर स्वीट्स। स्वागत है भाई साहब, आपका क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आपके माइंड में आया कि हम लोग मुदकी के एरिया में भी अपना ये जो है नया वेंचर खोले? सर जैसे कि पंजाब में हमारी बहुत सी ब्रांचें पहले भी चल रही है तो हमारे रिश्तेदारों की, हमारे जानने वालों की, हमारे भी वैसे सिस्टम था कि हमें करना है कहीं पर और यहाँ पे एरिया देखते देखते हमें ये लगा कि चलो ये ऐतिहासिक गाँव है, एक टी पॉइंट का गाँव है और कस्बे के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया जगह लगी तो यहाँ पे हमने आके ये अपनी सेवा शुरू की है। क्या कहना चाहेंगे कि बीकानेर स्वीट्स एक ब्रांड है, जब आप लोग अपना बोर्ड लगा लेते हो तो किसी की ऐड की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बीकानेर स्वीट्स के नाम से ही लोग जो है वो जानू होते हैं कि इन लोगों का नमकीन, इन लोगों का व्यंजन, इन लोगों का दूध, इन लोगों के व्यंजन जो है बिल्कुल प्योर होंगे। तो देखिए सर, जैसा कि आज टाइम के हिसाब से दुनिया एजुकेटेड है, हर आदमी क्वालिटी चाहता है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता और हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि कस्टमर को हम जितना दे सकें शुद्ध दें, जितना दे सकें प्योर दें। तो उसी चक्कर में ये मान के चलो कि बीकानेर का जहाँ पे बोर्ड लगा होता है कस्टमर को एक तरीके से विश्वास होता है कि हाँ अगर बीकानेर वाले हैं तो बढ़िया ही खिलाएंगे हमें। अगर हम नमकीन की बात कर लें तो नमकीन का एक भंडार रहता है बीकानेर वालों के पास क्योंकि नमकीन के ये लोग स्पेशलिस्ट हैं। आप लोग जैसे आप लोग खुद का अपने कारीगरों के साथ भुजिया है, जो पकौड़ी है, मट्ठी है, मतलब ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसके साथ लोगों को मज़ा आता है और उसमें टेस्ट भी रहता है। तो देखिए सर, ऐसा है ना कि हल्दीराम भुजिया वाला हो गया, दूसरे बीकानेर भुजिया के जो भी नामी ब्रांड है वो हमारे राजस्थान और ख़ास करके बीकानेर से बिलोंग करते हैं तो हमारा भी बैकग्राउंड समझ लीजिए उसी तरीके का है। तो एक तरीके से भगवान का दिया हुआ वो करिश्मा मान लीजिए या फिर हमारे हाथ का हुनर कह लीजिए। बाकी दूसरी सबसे बड़ी बात है क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारे अगर रिफाइंड यूज करना है तो वो एकदम प्योर होगा, बेसन एकदम उच्च क्वालिटी का। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम भाई हाँ राजधानी यूज करते हैं पर हमारे आसपास के एरिया में जो भी मिलेगा वो एकदम उच्च क्वालिटी का बेसन यूज करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि एक बार जो कस्टमर आ जाता है वो अपने आप चेन बनाता है क्योंकि जब उसको टेस्ट बढ़िया लगता है और वो आगे आगे चेन बना रहा है। और अगर हम ब्याहों की बात कर लें, किसी की मैरिज होती है तो वो आकर आपके पास कह देता है कि आप हमारी मैरिज है, बाकी सारा काम आपका है। क्या कहना चाहेंगे कि उसकी सारी टेंशन आप लोग ले लेते हो, चाहे वो कैटरिंग का है, चाहे वो स्नैक्स का है, चाहे वो मिठाई का है? सर देखिए, जैसे किसी शादी का कोई फंक्शन का हमारे पास ऑर्डर आ गया तो हमारी सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहती है कि वो फंक्शन हमारे घर का है। हम ये नहीं देखते कि एज ए कस्टमर उसको डील करें, नहीं, अगर उसने ऑर्डर लिखवा दिया तो हम उसको अपने घर की तरह डील करते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनको अपने तरफ से बढ़िया खिला सकें। और वही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास जो कस्टमर आता है वो खुश होकर ही जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि आज जैसे हम बात कर रहे हैं कि त्यौहार का सीजन है, अभी होली होकर गई है या बैसाखी आने वाली है, पंजाब त्यौहारों का जो है एक कॉम्बिनेशन रहता है पंजाब में, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग क्वालिटी के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे और जो भी यहाँ क्वालिटी मिलेगी वो एकदम प्योर टी मिलेगी? नहीं, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी भी इसी चीज़ में है। हमारा जो आप बता रहे हैं कि बीकानेर एक ब्रांड है और वो जो बीकानेर ब्रांड सबसे बड़ा चलने का कारण भी यही है कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कस्टमर अगर हमसे कोई चीज़ की एक्सप्रेशन लेके आ रहा है तो हम उस पर खरे उतरने की 100% कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश रहती है हमारी तरफ से कस्टमर को पूरा 100% दें। बहुत वधिया जी, इन्हें चंगी क्वालिटी है जी, वधिया खाने पीन च कोई भी चीज़ आई भी वधिया सारे बाजार नाल जो बैटर मिलती इतने चीज़ तो भी इतने आने अपन चंगा लगता वा। कितने दिनों से आ रहे तुसीं? पहला तो काफ़ी टाइम तो ही इन्हों का भी पुराना ही इतने शॉप इन्हों की चलती पई है, पहला उत्थे सीगे हुण इधर ले आए हैं भी पुरानी चलती पई आ। मैनू देखदे ही हो गया 2-3 साल हो गया भी देखदे ही भी वधिया इन्हों का कोई भी चीज़ होंगी आ खाने पीने। बहुत चेतो इन्हों समान जानते, इन्हों का वधिया फ्रैश समान हुंदा ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਕਾ ਆਪ ਯਹਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਵੀਟਸ ਪੇ ਆਤੇ ਹੈ ਲੇਕਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਸਮਾਨ?
यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया, यहाँ जो भी चीज़ मिलती है बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। और आप लोग जब भी अपने स्कूल में भी कोई चीज़ मंगानी है तो इनको प्रेफर करते हैं? यस, हम इन्हीं को ही प्रेफर करते हैं, यहीं से ही जाती है हमारी स्वीट्स, मोस्टली यहीं से जाती है। गल कर रहे हैं उन्हें वीरां दे नाल जिहड़े लोगों नूं मंजिलां ते पहुंचाउंदे ने, टैक्सी स्टैंड जिहड़ा हैगा बिल्कुल मुतकी दे हर्ट दे विच हैगा जिथे बीकानेर स्वीट्स आ, और ये सारे वीर जिहड़े हैगे आ टैक्सी स्टैंड दे उत्ते सेवावां अपनियां दे रहे ने। भाई की कहना चाहोगे कि सामने तुहाडे बीकानेर स्वीट खुल गया हुण सारा दिन फिर स्वाद जिहा हुंदा रहिंदा खाण पीण दा? मैं ना जी बहुत वधिया जी, वरायटी बहुत वधिया वा, बस स्मैल नहीं रज जाईदा, एड्डी वधिया वरायटी आ भाई, स्मैल नहीं रज जाईदा ही तां जदों इह तड़के छड़के लाउंदे आ खाण दी लोड़ ही नहीं पैंदी सानूं। बाकी माल इहनां दा इक नंबर वधिया, असीं गुड़िया दा विआह कीता सी, पहलां वी भाजी इहनां तों लई आ, हुण वी इहनां तों लई आ, मुतकी तों ही लए असीं रहिण वाले आ। जिस तरीके की क्वालिटी दे रहे नमकीन हो रहा बहुत वधिया, मैं तो कहना सारे इत्थों लैण जी, वैरायटी सारे नालों वधिया वा। बीकानेर स्वीट्स जो कि एक ब्रांड बन चुका है और आप लोगों ने नया जो वेंचर यहाँ पर खोला है, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं मुतकी से और अब आपने जो है एक बहुत ही प्यारा शोरूम यहाँ पर, क्योंकि मुतकी के लोगों ने आपको प्रोग्रेस कराई है, उनका बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों की कृपा से ही हमारे जो ये नई शॉप जो हुई है ये चौक के ऊपर, और जो मिठाई हम बनाते हैं ना वो हमारी इच्छा से मतलब बढ़िया बननी चाहिए, इस करके सारे जो हमारे जो मुतकी के सारे इलाके वाले हैं वो बहुत बढ़िया और हेल्प करते हैं हमारी, हमारे पास दौड़ के आते हैं भाई, हम जाएंगे तो बीकानेर वाले पास से ही लेंगे मिठाई, ऐस करके चाह करके आते हैं हमारे पास। और अगर हम दूध की बात कर लें तो प्योर दूध आप लेते हैं, उसके साथ पनीर, उसके साथ खोआ, उसके साथ बर्फ़ी, वो चीज़ें प्योर है। बेसन की बात कर लें तो बेसन भी एक नंबर आपने लेना है, हल्दी मिर्च मसाले की बात कर लें तो अपने पसाने हैं या बढ़िया क्वालिटी के लेने हैं, क्या कहना चाहेंगे? उन चीज़ों के साथ ही क्रिस्पी बनता हर चीज़, क्वालिटी हमारे पास जो भी है, बेसन है, मिर्च मसाला है, दूध है, वो एक नंबर की क्वालिटी हम बरतते हैं, वो इसी करके हमारे पास जो बेसन के लड्डू बनाते हैं हम, एक मोतीचूर के लड्डू होते हैं, एक राजस्थान लड्डू है, जो भी बंदे आते हैं हमारे पास आते हैं ना जो भी, वो चाह करके बोलते हैं हमारे को राजस्थानी लड्डू ही दे, खास कर राजस्थानी लड्डू की ही चाय होते हैं, राजस्थानी लड्डू कहाँ भी खत्म हो गया नहीं बना के दो हमारे को। NRI भी बहुत आपसे जुड़े हुए हैं, बाहर के जो लोग हैं काफ़ी जुड़े हुए हैं और उधर से ही ऑर्डर दे देते हैं बीकानेर वाले के पास जाओ, वो गूगल पे या पैसे पे कर देते हैं और आप लोग उनको सामान जो घर पे पहुँचा देते हैं? हाँ हाँ पहुँचा देते हैं, घर पे भी पहुँचा देते हैं, हमारे पास फ़ोन भी आ जाते हैं, हम लड़के को भेज रहे हैं, इनको पैसे की बात नहीं है, पैसे बाद में दे देंगे और इनको सामान देते हैं, हम दे देते हैं कोई बात नहीं।